बायजूस जो कि इंडिया की मोस्ट वैल्यूएबल एडटेक स्टार्टअप है, उसकी प्रॉब्लम्स और बढ़ती ही जा रही हैं। रिसेंटली कार्ति चिदम्बरम जो कि एक मेंबर हैं लोकसभा के, उनने एक लेटर लिखा है ICAI को कि उन्हें डेलॉयट की जो ऑडिट रिपोर्ट है रिगार्डिंग बायजूस उसके ऊपर बिल्कुल भरोसा नहीं है एंड ही इज प्रीटी श्योर कि उसमें काफी गड़बड़े हैं। उन्होंने दो एलिगेशंस के ऊपर बहुत ही ज्यादा फोकस करा है। पहला कि जो बायजूस के एम्प्लॉय के एक्सपेंसेस हैं वो उसे कैपिटलाइज कर रहा है, ना कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की तरह ट्रीट कर रहा है, क्योंकि उसके वजह से ना लॉस और बढ़ जाता। एंड सेकंड, जो सब्सक्रिप्शन लेता है अपने स्टूडेंट से उसे वो अपफ्रंट रिकॉर्ड कर देता है एज रेवेन्यू, जो कि एज पर अकाउंट्स एक गलत प्रैक्टिस है। एंड उसमें कार्ति चिदम्बरम ने ICAI को खुद रिक्वेस्ट करा है कि ICAI जाके रिव्यू करे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बायजूस की एंड अप्रोप्रिएट एक्शन ले अगेंस्ट बायजूस एंड डेलॉयट। तो तुम्हें क्या लगता है कि सब कुछ ठीक है या इसमें वाकई कोई गड़बड़ है?